अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगी। आज की एक फैंटास्टिक वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल पाक हेल्थ नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सामने का नाम बात यह है कि शादी की पहली रात लड़की सील कैसे तोड़वाती है। बात यह है कि शादी की पहली रात कोई लड़की घोड़ी बनकर सील तोड़वाती है, कोई टांगे ऊपर करके, टांगे उठाकर निचले हिस्से के में तकिया रखवा कर सील तोड़वाती है। टांगे ऊपर करके सील तोड़वाना उसे आसान लगता है, क्योंकि जब उसे तकलीफ़ होने लगती है वो टांग मार देती है या अपनी जान छुड़वा जाती है। जब घोड़ी बानी होती है तो वो काबू में आ जाती है। जो मर्द होता है उसके सीने में या उसके पेट के इर्द गिर्द जफ़ी मार लेता है, ज़ोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लड़की नहीं छुड़वा सकती। और लड़का बंदा खावन जोर लगा लग कर झटके देता है, उससे लड़की को तकलीफ़ होती, क्योंकि वो पहली बार काम करवा रही होती है, सुहाग रात बनवा रही होती है, तो साफ जहर है कि उसे तो तकलीफ़ होगी। सामिने कराम, एक इसमें और बात भी है। कुछ लोग शादी की पहली रात लड़की की सील इस तरह से तोड़ते हैं कि उसे अंगल मारकर उसकी जानक में अंगल मारकर उंगली के साथ सील तोड़ते हैं। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका नाखून कटा हुआ होता है, तेज़ धार बनी हुई होती है, वो अंदर जाकर कहीं ना कहीं पे ज़ख्म कर देता है। तो इसमें आपका भी नुकसान है और आपकी होने वाली बीवी का भी नुकसान है। आपने सील किस से तोड़नी है? अल्लाह ताला ने आपको जब नफ्स दिया है, क्या आपका नफ्स नहीं है? नफ्स होने के बावजूद भी आप उंगली के साथ अपनी बीवी की लड़की की सील तोड़ते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको नफ्स दिया है, क्या आपका नफ्स छोटा है, पतला है, जो सील नहीं तोड़ सकता? इसका भी इलाज है। आने वाली वीडियो में हम इसका इलाज भी बताएंगे। आप 20 साल की उम्र में पहुंचे हैं, 25 साल की या 30, इतने साल आपने इंतज़ार किया है, आप कहते हो हमारी शादी हो, शादी तो हो गई आपकी, आप अपनी बीवी की सील उंगली के साथ तोड़ रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, गुनाह है। तो आप अपने नफ्स के साथ अपनी होने वाले बीवी की सील तोड़ें, ठीक है? दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अलानी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक हेल्थ नुस्खे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अलानी के बाद।